सब्सक्राइब कीजिए एस टीवी टेक चैनल को और बेल बटन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। मैं विक्की आनंद और आप देख रहे हैं स्पीड और एसिटी टेक चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं भैया वेबसाइट के खसरा मेनू के अगले ऑप्शन के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग कुछ ऑप्शन के बारे में देखे थे। आज हम लोग भैया के खसरा मेनू के अन्य ऑप्शन को देखेंगे। इससे पहले हम लोग ये भू राजस्व तक देख लिए थे, आज हम लोग देखने वाले हैं उड़ान नंबर से शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं इसको बताऊं, आप अगर आप उड़ान नंबर नहीं जानते तो हमारा एक इसके पहले एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको उड़ान नंबर का सेट पता चल जाएगा। उसका हमने लिंक नीचे दे रखा है, देखते हैं हम लोग प्रविष्टि। उड़ान नंबर सबसे पहला नंबर है प्रविष्टि है, इसे हम लोग क्लिक करते हैं। हमने ग्राम पैलेस चुना हुआ था और जैसे मान लीजिए हम लोग कोई उड़ान नंबर चुनते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। जैसे मान लीजिए ये उड़ान नंबर इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग इस चुनते हैं 1/1010, अगर उड़ान नंबर चुनते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। सामान्य स्थिति में हमारा मैनुअल रिकॉर्ड में इस प्रकार से रिकॉर्ड रहता है, जिसके हमारा खसरा नंबर है 10/1, 10/2, 10/3, 10/4। ये हमारा खसरा नंबर में एक सीरियल में क्या रह गए रहता है। और अंतिम में जैसे अपना है तो इसको हम लोग अंतिम में क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं उड़ान नंबर को। लेकिन बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर क्या समझता है, 10/1 से लेकर 2, 3, 4, 5 आप देख रहे हैं इधर राइट साइड में, ये 11। मान लीजिए हमारा उड़ान नंबर 10/1041 है तो कंप्यूटर क्या समझेगा कि 10 जो खसरा नंबर है उसको कितने टुकड़े करना है हमको, 1041। ये 1041 टुकड़ा क्या समाज से समझ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसको कंप्यूटर में उड़ान नंबर से इसको दर्शाएंगे। जब हम लोग उड़ान नंबर इसमें कंप्यूटर में दिखा देते हैं, बता देते हैं, तो कंप्यूटर समझ जाता है कि उड़ान नंबर क्या है, ये 10/1041 उड़ान नंबर है। बाकी जो है 10 से लेकर 3 तक ये क्या है, इसका 10 का टुकड़ा है। ठीक है, ये हमने इसको निर्धारित कर दिया, ये उड़ान नंबर रिकॉर्ड सुरक्षित करें। रिकॉर्ड सुरक्षित हो गया। उड़ान नंबर निर्धारित करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, इसको करना जरूरी है। उड़ान में सेकेंड ऑप्शन वास्तविक खसरा प्रविष्टि है, जैसे हम रिकॉर्ड सुरक्षित करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है उड़ान खसरा नंबर क्रमांक 263/552 अगर है तो हमको क्या करना है, उसको 552 लास्ट में दर्ज करना है। जैसे मान लीजिए हमारा 1/1010 है तो हम लोग लास्ट में क्या करना है, 1/1010 इसमें लिख करके रिकॉर्ड सुरक्षित करना है। ये खसरा क्रमांक 1/1010 पहले से मौजूद है इसलिए नहीं ले रहा है इसको। हम लोग ऐसे करेंगे तो ले लेगा, क्योंकि डेमो वेबसाइट इसी कारण नहीं ले रहा है। तो चलिए हम लोग आगे अगला ऑप्शन देखते हैं, लुप्त खसरा अनुमोदन। तो क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं बता दूँ कि लुप्त खसरा अनुमोदन जो है इसका नाम बदल दिया गया है और ये इसका तात्पर्य संकलन ही है। जैसे हम लोग कोई खसरा नंबर संकलन करते थे इस प्रकार ये संकलन ही है, लेकिन पहले का संकलन और इसके संकलन में थोड़ा अंतर है। पहले का संकलन यह था कि आप किसी भी नंबर को क्या कर सकते थे, संकलन कर सकते थे, लेकिन इसका संकलन जो है आप ग्राम के अंतिम, आपका जो ग्राम का अंतिम खसरा नंबर है उसके बीच के ही नंबर को आप क्या कर सकते हैं, इसमें संकलित कर सकते हैं। जैसे हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ये हमको पूछता है कि ग्राम का अंतिम खसरा नंबर क्या है, तो इसको आपको बहुत सावधानीपूर्वक डालना है। अगर आप इसको गलत इंटर कर देते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और हमारे अभी जो सॉफ्टवेयर जो निर्माता हैं इन्होंने इसका संशोधन का कोई भी विकल्प इसमें नहीं दिया है, इसीलिए जब ग्राम का अंतिम नंबर आप डाल रहे हैं यहाँ पर तो उस कंडीशन में आपको अपने रिकॉर्ड का भली भांति आप जांच कर लीजिए, पहले देख लीजिए कि ग्राम का अंतिम खसरा नंबर कहाँ तक है, उसके बाद ही इसको आप डालिए। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी ने जब इसको चलाया होगा कोई,
ये देखिए, इस ग्राम का अंतिम नंबर खसरा नंबर 15 इसने इंटर कर दिया है, और जबकि इस ग्राम में बहुत सारे खसरे नंबर और भी पहले से मौजूद हैं, उसको हम लोग जिसे हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं संदिग्ध खसरा विलोपन, उस सूची में हमको क्या दिख जाएगा, इसके आगे 15 नंबर के आगे हमको क्या दिख जाएगा, जितने भी खसरा नंबर हैं दिख जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, ये हमारा मान लीजिए 1/77 है कोई खसरा नंबर, इसको हम लोग क्या करना है, संकलन करना है। हमने इसको नोट कर लिया। अब 1/77 जैसे हम लोग स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, माउस को स्क्रॉल करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको क्लिक कीजिए जिसको आपको संकलन करना है। इसके बाद नीचे आ जाइए, इसको स्क्रॉल करते हुए अनुमोदन हेतु लुप्त खसरा का सुरक्षित कीजिए। लुप्त खसरा सफलतापूर्वक सुरक्षित हुए, जिसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो हमने लुप्त खसरा इसमें संकलित किया है, जो सुरक्षित किया है, इसकी लिस्ट जो है ये यहाँ पर लुप्त खसरा संकलन या भूमि स्वामी रहित खसरा संशोधन में क्या होगा, होगा जिसमें हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको लुप्त खसरा संकलन में करना है, क्लिक करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जो 1/77 को हमने संकलित किया था, इसको हमको दो फेज में क्या करना है, इसको जानकारी पूरी तरह से एक कंप्यूटर में लोड होगी। पहला फेज तो यह है कि लुप्त खसरा संकलन होगा, और इसका दूसरा फेज ये है कि भूमि स्वामित्व रहित खसरा संशोधन होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका संकलन करते हैं। जैसे हमने ग्राम इसमें सेलेक्ट किया, आगे जाएँ, 1/77 था हमारा खसरा नंबर, जिसे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ गए, हमने बसरा नंबर दे दिया 1/77, या फिर अगर पहले से कोई दूसरा बसरा नंबर तो उसको आप भी दे सकते हैं। अगर हम लोग को दूसरा बसरा नंबर देता है तो उस कंडीशन को क्या करना पड़ता है, जो सेकेंड स्टेज है उसको हमको नहीं करना पड़ेगा। और हम लोग जो खसरा नंबर संकलन कर रहे हैं, अगर वही का सेम बसरा नंबर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका संकलन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं, निर्धारित भू राजस्व, यहाँ एक खाते भूमि है या फिर जो भी इसका मध्य, उसको आप चुन लीजिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ बसरा नंबर को दूसरा कुछ डालते हैं 1/77 के अलावा, जो हमारा खसरा नंबर है उसके अलावा, तो उस कंडीशन में आपको ये भूमि स्वामी का जो ऑप्शन है इसको नहीं छेड़ना है, इसको एन ही रहने देना है। और अगर आप बसरा नंबर और खसरा नंबर आपके सेम डाल रहे हैं आप, तो उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिक यस रहेगा। कुल मिला के बोला जाए तो भूमि स्वामी का जो आपका ऑप्शन है, ये स्वामित्व का प्रकार, इसको आपको चेंज नहीं करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप शासकीय हैं, शासकीय आपने चूज किया हुआ है, या फिर दखल रहे थे पट्टेदार पर भूमि है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करना है। अब इसको हम लोग क्या करना है, सुरक्षित करेंगे। ये यहाँ पर बता रहा हमको कि ये संकलन पूर्ण हुआ, यदि नहीं खसरा है तो भूमि स्वामी रहित खसरा संशोधन से भूमि स्वामी का जोड़ें, जिसको हम लोग क्लिक ओके करते हैं। अब यहाँ पर जो हमने 1/77 संकलन किया था लुप्त खसरा के द्वारा, अब इसी में भूमि स्वामी की एंट्री हम लोग यहाँ से करेंगे। हमने क्लिक किया सेकंड ऑप्शन में, यहाँ पर हमने ग्राम चुना, आगे जाएं, यहाँ पर आप 177 चुनेंगे, आप हमारा आ गया है, ये सुरक्षित करें। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इस खातेदार का यहाँ पर नाम एंट्री कर सकते हैं, जैसे हमने इस खातेदार का नाम एंट्री किया यहाँ पर।
वर्ग चुन लीजिए, जाति चुन लीजिए, इसका जो भी जाति है, लिंग है। इसमें जो रेड स्टार लगा हुआ है जिसके आगे, उसको आपको इसमें एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रेड स्टार नहीं है तो आप उसके बाद में क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रथम भूमि जोड़ी, भूमि स्वामी जोड़े, ये क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए इसका कोई दूसरा भी भूमि स्वामी है, दो तीन अगर इस खातेदार हैं इसमें, तो आपको इसका नाम एंट्री यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आते हैं तो मान्य जानकारी पे, मुख्य पृष्ठ पर खसरा ऑप्शन। तो इस प्रकार भी आपने देखा है कि जो हमारा लुप्त खसरा अनुमोदन है, एक प्रकार से ये संकलन है, और जो आपने खसरा लुप्त खसरा का संकलन किया है उसको आप कहाँ पर उसकी भूमि स्वामी में इंटर करेंगे, उसको भूमि स्वामी का डिटेल भरेंगे, वो आपका लुप्त खसरा संकलन या भूमि स्वामी रहित खसरा संशोधन में जाकर के आप उसका क्या करेंगे, संशोधन करेंगे, या फिर उसमें जो भी एंट्री भरना है उसको भरेंगे। इसके बाद है आपका ये है अंतिम लुप्त खसरा नंबर, इसको देखते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, अगर खसरा नंबर एक का बटा अंतिम बटा नंबर 1/8 है, लुप्त में केवल 1/5 तक ही है, तो अंतिम खसरा नंबर 1/8 तक अंकित करें। अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप इसको देखिए। ये देखिए, मान लीजिए हमारा मैनुअल जो अभिलेख है, मैनुअल अभिलेख में 10/1 से लेकर 10/9 तक हमारा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है, लेकिन हमारे वर्तमान अभिलेख में क्या है, कंप्यूटर अभिलेख में 10/4 तक ही रिकॉर्ड मौजूद है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि 10/9 जो यहाँ पर है लास्ट वाला, 10/9 इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर एंट्री करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है, जो इनके बीच की संख्याएं हैं, जैसे 10/5 है, 10/6 है, 10/7, 10/8 जो है, तो सभी संख्या क्या आएगी, लुप्त खसरा संशोधन उप सूची में आ जाएगी। मतलब जो है आपका ये जो लुप्त खसरा अनुमोदन है उसमें आ जाएगा। देखते हैं आगे, उसको एक बार देख लेते हैं, क्लिक करते हैं इसमें, ये हमारा सूची खुल गया है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ये 10/1 का एग्जांपल लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप कि जैसे मान लीजिए 4/1, 2, 3, 4 तक की दिखा रहा है यहाँ पे, 5 तक, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा जो रिकॉर्ड में है, हमारा आपका जो मैनुअल रिकॉर्ड में है, ये 4/5 से ना लेकर के 4/9 तक है ये, मान लीजिए। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस खसरा में गए, अंतिम लुप्त खसरा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4/9 लिख दिए, या फिर जो भी आपका संख्या भी लिख सकते हैं, इसका आप खसरा जोड़ें। ये खसरा नंबर सफलतापूर्वक सुरक्षित हुआ, इसमें ओके में क्लिक करेंगे। और फिर से देखते हैं हम कि जो हमने 4/9 संकलित किया है, ये वास्तव में हुआ है नहीं हुआ है। हो जाते हैं लुप्त खसरा अनुमोदन में। अब देखिए आप कि हमने इससे पहले जब देखा था इसको, तो यहाँ पर केवल 4/5 तक था, देख रहे हैं,
और हमने क्या किया था, अंतिम खसरा नंबर क्या डाला था, किसी भाग का 4/9 इसमें एंट्री किए थे हम लोग, ठीक है। अब इसके बीच जो भी खसरा नंबर है क्या है, ये यहाँ पर लुप्त दिखा रहा है, तो हम लोग दोबारा से क्या कर सकते हैं, नीचे जा कर के इसको देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 4/6, 7 और 8 इसको हम लोग संकलित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हम लोग पहले अपनाए थे संशोधन के लिए, लुप्त खसरा संशोधन के लिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं रकबा संशोधन, हमने रकबा संशोधन क्लिक किया। ओके, यहाँ पर हमको ग्राम चुनना है, ग्राम चुना हमने। फिर इसके बाद खसरा चुनना है, जिस मान लीजिए हमने कोई खसरा चुन लेते हैं यहाँ पे। इस खसरा नंबर का वर्तमान रकबा इतना है 0.176, मान लीजिए इसको हमको क्या करना है 0.20, इसको अनुमोदन के लिए हम लोग तहसीलदार के आईडी में भेजेंगे। यहाँ से जैसे हम लोग अनुमोदन कर भेजते हैं, तहसीलदार के आईडी में चला जाएगा, जैसे ही वहाँ से स्वीकृत होगा हमारा रकबा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। रकबा संशोधित हुआ, तहसीलदार के पास अनुमोदन के लिए चला गया। और ओके में क्लिक करते हैं। अब अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, संदिग्ध खसरा विलोपन क्लिक करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि संदिग्ध खसरा विलोपन में उन खसरा को लिया जाता है जो आपके ग्राम खसरा के अतिरिक्त हैं। जैसे मान लीजिए आपके ग्राम का अंतिम खसरा नंबर 1045 है, तो उसके बाद जितने भी खसरा अगर मान लीजिए आपके भुइयां सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, किसी ने इसको संकलन करके रखा है, तो क्या करेगा, उसको संदिग्ध खसरा मान लेगा। और इस भुइयां वेबसाइट की सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि जो हम लोग लुप्त खसरा का सूची देखते हैं सबसे फर्स्ट में, तो उस समय ये अंतिम ग्राम का अंतिम खसरा नंबर पूछता है। और अगर हमने इसमें अंतिम खसरा नंबर में गलती अगर एंट्री कर दी हमने, तो बाकी हमारा जो वैलिड खसरा नंबर भी रहेगा उनको क्या करेगा, वो संदिग्ध खसरा नंबर ही दिखाएगा। जैसे हमारे ये डेमो वेबसाइट है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसका जो अंतिम खसरा नंबर है 15 तक ही इसमें क्या किया है, किसी ने दे रखा है, देखिए 15 तक ही दे रखा है। और 15 के आगे जितने भी इसमें क्या है खसरा नंबर है, देखिए इसको क्या कर रहा है, ये संदिग्ध खसरा मान रहा है। इसी प्रकार जब हम ग्राम को, अगर हमारे ग्राम के अगर अंतिम खसरा नंबर क्या करते हैं सही नहीं डालेंगे, तो हमारा कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो जो संदिग्ध खसरा नंबर है, जो खसरों की सूची है, इसको आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपल सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं इसको यहाँ से, जैसे मान लीजिए हमने 1511/3 हम लोग को सेलेक्ट किया है, इसको विलोपित कर दिए, तो खसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक साथ सेलेक्ट करके भी क्या कर सकते हैं, विलोपित कर सकते हैं। ये खसरा सफलतापूर्वक विलोपित हुए, इसको हम लोग क्या करवाओगे करेंगे। अब देखिए हम लोग 1154/3 को विलोपित किए थे, यह विलोपित हो चुका है। आगे देखते हैं, ये सामान्य जानकारी या भूमि स्वामी में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए कि दो ऑप्शन से, एक लुप्त खसरा संकलन भूमि स्वामी
रहित खसरा संशोधन ये है, और एक हमारा समान जानकारी भूमिस्वामी संशोधन। अब दोनों में क्या अंतर है कि जो पहला ऑप्शन है भूमिस्वामी रहित, उसमें अगर किसी के भूमिस्वामी एंट्री नहीं है तो वहाँ से उसका संशोधन होगा और बाद वाले से हमारा ये जानकारी ओपन हो जाता है। तो इसे हमारे हमने छः बट तीन इसमें चुना हुआ है। अब इसको चाहे तो सामान्य जानकारी या फिर दूसरा खसरा नंबर चुन लेते हैं हम। ये देखिए ओपन हो गया ये। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, इसको संशोधन करना था, हम इसमें क्लिक करेंगे। ओपन हो गया, इसका नाम सुधार देते हैं। बाकी सब मान लीजिए सही है, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, भूमि स्वामी जोड़ें या फिर संशोधन करने में क्लिक करते हैं। रिकॉर्ड सफलतापूर्वक संशोधित हुआ, ओके। ये देखिए यहाँ पर राम कुमार आ गया। तो दोस्तों ये तो था खसरा नंबर के बाकी ऑप्शंस जो कि हमने समझाने के प्रयास किए हैं। उम्मीद है आपको ये सभी ऑप्शन समझ में आएंगे। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और उसके बाद भी अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट के माध्यम से आप इससे हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।